में आपको दिया गया है कि फाइंड आउट द एंटी डेरिवेटिव, लेकिन एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूले से ना अप्लाई करके आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से निकालना है इसका एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी डेरिवेटिव वाले मेमोरी को रिफ्रेश करिए और वहाँ से सोचिए कि ये किसका डेरिवेटिव रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप का है ये कि आप रिवर्स मैनर में जाके सोचते हो। खैर देखिए सोचते कैसे हैं, और इसकी आदत डालिए। जो कॉम्पिटिशन बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं वहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर एंटी डेरिवेटिव की लॉजिक आपके अंदर है तो बहुत बार जेई हो गई ये सब क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ देते हैं, ठीक है। जैसे आपको हम नीचे लिंक देंगे वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। खैर इसे देखते हैं, हमें निकालना है एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है, डीएक्स। अब हम सोचते हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा, है ना, ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर 2x होगा। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा फंक्शन है, इसको मतलब इसका डेरिवेटिव निकालो या एंटी डेरिवेटिव और यू गेट द सेम थिंग। खैर तो हमने कहा कि कंसीडरिंग, ये आपके पूरी मेमोरी पे डिपेंड करता है कि आप डिफरेंशिएशन कितना जानते हो। तो कंसीडरिंग d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x क्या हो जाएगा, e की पावर 2x d by dx, चेन रूल लग गया यहां पे, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपको तो आना ही चाहिए, है ना, थोड़ा ये 2x का 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमने देखा कि d by dx ऑफ e की पावर 2x का क्या होता है, e की पावर 2x इंटू 2 होता है। लेकिन मुझे क्या जानना था कि ये किसका डेरिवेटिव होता है, यहां पे ये इंटू 2 आ गया, तो 2 को आप इस साइड में ले आइए, और वो करने के लिए दोनों साइड में आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब कि ये वो फंक्शन है जिसकी हमें तलाश थी, ठीक है, ये वो क्वेश्चन मार्क है जिसकी हमें तलाश थी। इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है e की पावर 2x है, इसका मतलब रिवर्स मैनर में आप कह सकते हैं कि इसका एंटी डेरिवेटिव e की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा। दैट मीन्स दैट इंप्लाई एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x दैट इज इक्वल्स टू e की पावर 2x अपॉन 2 है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप कोशिश करिएगा e की पावर ax प्लस बी का इंटीग्रेशन बताने की, ठीक है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इसकी पिक खींच करके भेज सकते हैं, तो आपको नंबर हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं, ठीक है।